स्टूडेंट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। जैसा कि ब्रेक के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे लेक्चर नंबर 85-95 में ब्रेक के सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, और न्यूमेरिकल भी हमने काफ़ी कुछ सॉल्व किया। जैसा कि ये क्वेश्चन है तो देखिए इन ए विंच, अब देखिए फिगर देखते ही आपको जो है हमारे कुछ लेक्चर्स जो हैं या आपके कॉन्सेप्ट जो है याद आ जाना चाहिए, क्योंकि ये देखिए बैंड है, ठीक है, ये क्या है बैंड है, और ये लाइन देख करके आपको यहाँ पे तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिकली इट इज़ द डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। अब देखिए डिफरेंशियल बैंड ब्रेक आपको एक्चुअल फिगर दिखा रहे हैं, यही था हमारा ड्रम, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है ये बैंड, और ये कॉन्सेप्ट क्या देता है डिफरेंशियल का, ठीक है, ये है तो डिफरेंशियल, नहीं होता तो सिंपल, ये आपका सिंपल दिख रहा है, ये आपको डिफरेंशियल यहाँ दिख रहा है। तो यही तो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट बनाता है इस बैंड ब्रेक को, इसलिए डिफरेंशियल बैंड ब्रेक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को वन बाय वन जो है हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही साथ, ठीक है ना, चूँकि अब हम यहाँ देख चुके हैं डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, तो यहाँ पे सीधा हम लिखेंगे गिवन कि क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, जो दिया हुआ है उसी से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन ए विंच द रोप सपोर्ट्स ए लोड डब्लू, अब ये लोड डब्लू दैट मीन्स यहाँ पे लोड दिया हुआ है, ये विंच है, ठीक है, ब्रेक ड्रम में, तो ये विंच का लोड दिया हुआ है राउंड ऑफ ए बैरल, राउंड ए बैरल, ये बैरल का ये जो छोटा वाला है इसका डायमीटर दिया हुआ है, जिसको हम स्मॉल डी लिखते हैं यहाँ पे, कितना 450 mm, और ये लोड शायद हमें निकालना ही है, ठीक है ना, अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन तो पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी 450 है तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा आपका 225 mm, ठीक है। अब देखिए ए डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, अब ये बोल भी दिया यहाँ पे डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, नहीं भी बोले तो फिगर देख के तुरंत अपने को समझ में आना चाहिए था। एक्स ऑन ए ड्रम 800 mm डायमीटर, तो ये कैपिटल डी हम ले लेते हैं, मान लीजिए 800 mm, ठीक है ना, मानने की ज़रूरत नहीं, हम तो जो है दिया हुआ ही है, तो ये आर कितना हो जाएगा 400 mm, विच इज कीड टू द सेम शाफ्ट एज द बैरल, दैट मीन्स कि ये बैरल और ड्रम एक ही शाफ्ट में माउंटेड है, दैट मीन्स कि ये शाफ्ट है मान लीजिए, तो इसी के ऊपर आपका इधर ड्रम भी है, और हो सकता है ड्रम के ही अंदर ये बैरल भी है या थोड़ा सा पास में हो सकता है, ये तो एक्चुअल फिगर देख करके डिपेंड आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो समझ में आया कि एक ही शाफ्ट पे दोनों है, ठीक है ना, दैट मीन्स कि दोनों का RPM सेम होगा, ठीक है। अब देखिए The two end of the bands are attached to pins on opposite side of the fulcrum of the brake lever and at a distance of 25 mm 100 mm from the fulcrum. अब देखिए यहाँ पे ये pin pointed है, यहाँ से जो B का distance है OB यहाँ दिया हुआ है, तो ये OB आपको दिया है कितना 25 mm, ठीक है ना, ये OB, और ये O से A दिया है आपका 100 mm, ठीक है, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, ये देखिए 250 डिग्री भी दिया है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सीधा हम लिख सकते हैं 250 डिग्री। अब 250 डिग्री को यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 250 × π/180, तो ये कितना रेडियन में आ जाएगा, तो ये 4.4 रेडियन में आ जाएगा, ठीक है, 4.4 रेडियन आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे द एंगल ऑफ लैप ऑफ द ब्रेक इज, अच्छा लिखा हुआ भी है यहाँ दिख भी रहा है, एंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दैट मीन्स कि म्यू कितना दिया है 0.25। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड डब्लू, यही डब्लू बब्लू जो भी है निकालना है, विच कैन बी सपोर्टेड बाई द ब्रेक व्हेन ए फोर्स ऑफ 750 न्यूटन, दैट मीन्स कि पी का भी वैल्यू आपको दिया है कितना 750 न्यूटन, ठीक है, इज अप्लाइड टू द लीवर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3000 mm, 3000 mm दैट मीन्स कि क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ द लीवर हो गया 3000 mm फ्रॉम द फलकरम। तो कुल मिला करके यदि हम कॉन्सेप्ट देखें तो ये W आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए
क्या दिया है ये तो हमें मालूम चल गया, क्या निकालना है ये भी मालूम चल गया, अब कैसे निकालना है वह हम जो है यहाँ पे अब ध्यान दें। ठीक है, अब सॉल्यूशन में सबसे पहले तो अब बैंड ब्रेक है, ठीक है ना, तो अब हमें यह मालूम है कि जो है रेशियो ऑफ टेंशन वाला फार्मूला लगेगा, तो सबसे पहले ये फार्मूला लगा करके हम देखें कि क्या निकाल सकते हैं, ई टू द पावर म्यू थीटा। अब यहाँ पे ई जो है मालूम है, म्यू आपको कहीं निकाले थे 0.25 और थीटा भी आप 4.4 निकाले हैं, तो यहाँ पे कुल मिला करके टी वन अपन टी टू जो है निकलेगा जो है आपका 2.98। ठीक है, तो 2.98 यदि निकला, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, टी वन इक्वल टू 2.98 टी टू लिख सकते हैं। तो एक तो इक्वेशन यहाँ से मिल गया, ठीक है ना। अब चूंकि ब्रेकिंग टॉर्क नहीं दिया है, अदरवाइज हम टी वन माइनस टी टू इंटू आर करके उससे दूसरा इक्वेशन मिल जाता, तो अब वो नहीं दिया है तो दिया क्या है, व्हाट कैन वी डू, जो हम कर सकते हैं वही करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कैन वी टेक द मोमेंट अबाउट ओ, यस वी कैन टेक द मोमेंट अबाउट द फलक्रम ओ। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टेकिंग द मोमेंट, मोमेंट अबाउट फलक्रम ओ, ओ तो ओ के अबाउट जो है जब आप जो है क्या लेते हैं मोमेंट लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे फलक्रम ओ, दैट मीन्स कि ओ के अबाउट ये पी, ठीक है ना, ये क्या लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ कर दीजिए, तो पी इंटू क्या हो जाएगा 3000, ये लेंथ इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बचा यहाँ पे टी वन और टी टू, ठीक है, तो यहाँ पे ये टी टू क्या हो गया, ये इधर लग रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो टी टू इंटू क्या हो जाएगा 100, टी टू इंटू 100, और ये टी वन क्या है इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज है, तो माइनस क्या हो जाएगा टी वन इंटू 25, डिस्टेंस कितना है 25। अब इसमें देखिए क्या दिया है क्या नहीं दिया है, सिर्फ P दिया हुआ है, तो P दिया है कितना दिया है, देखिए P आपको 750 और ये दिया है 3000 इक्वल टू, अब यहाँ पे टी टू इंटू 25, आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्यों कॉमन लीजिएगा, आप तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए टी वन इंटू 25, ठीक है। अब यहाँ पे ये टी वन इक्वल टू 2.98 इंटू टी टू लिख सकते हैं, तो ये हम 750 इंटू 3000 रहने देते हैं और टी टू इंटू 100 भी रहने देते हैं, और ये यहाँ टी टू के जगह पे, सॉरी टी वन के जगह पे क्या लिखेंगे 2.98 इंटू 25 इंटू टी टू, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इससे जो है आप सॉल्व करके देखिए कि हमारा जो है टी टू कितना आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से जब आप निकालेंगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी टू, यहाँ टी टू जो है आपका 88 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन निकल करके आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस mm को मीटर में कन्वर्ट नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ भी mm है और इधर भी mm में ही लिए हैं, तो दैट विल बी गेट कैंसिल्ड। तो टी टू यदि इतना आपका निकल गया, ठीक है ना, टी टू इतना निकल गया, तो टी वन यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू 2.98 इंटू टी टू 88 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट मीन्स ये T1 जो है आपका 262 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन निकल जाएगा। तो ये आपका T2 निकल गया और ये T1 निकल गया, इतना काम जब हो गया हमारा, ठीक है ना, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेकिंग टॉर्क का फार्मूला जो है याद कीजिए, ठीक है ना, यही है ना, टी वन माइनस टी टू इंटू रेडियस ऑफ द ब्रेक ड्रम। तो देखिए यहाँ पे टी बी जब आप निकालेंगे ब्रेकिंग टॉर्क, तो क्या हो जाएगा टी वन माइनस टी टू इंटू रेडियस ऑफ द ब्रेक ड्रम, तो टी वन कितना है यहाँ पे 262 माइनस 88 टी टू इंटू 10 टू द पावर 3, तो कॉमन ले लीजिए, और इंटू 400 mm है, तो इसको 10 टू द पावर माइनस 3
मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10^3 और 10^3 इधर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये ब्रेकिंग टॉर्क जो आपका निकल करके आएगा, ठीक ना, ये आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट हियर द वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 70 × 10^6 के आसपास ये आएगा मिलीमीटर में, और मीटर में निकालेंगे तो ये 10^3 आएगा मीटर में, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ब्रेकिंग टॉर्क आ गया। ठीक है, एक बार और हम लिख देते हैं, ब्रेकिंग टॉर्क यहाँ पे आपका 70 × 10^2, ये मीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे यदि, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ब्रेकिंग टॉर्क। ठीक है, अब यही टॉर्क जो है किसको जो है सस्टेन कर रहा है, इस लोड को, यही टॉर्क तो इस लोड को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो अगेन टॉर्क ड्यू टू दिस लोड, ठीक है, एंड टॉर्क ड्यू टू द ब्रेकिंग विल बी इक्वल, ठीक ना। तो यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करें, टॉर्क ड्यू टू, ये एक पार्ट था हमारा, ब्रेकिंग टॉर्क निकल गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ टॉर्क ड्यू टू लोड W कौन सा है, ये जो W है, ठीक है ना, बबलू का भाई जो W है, ठीक है ना, इसके चलते क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ड्यू टू लोड, दैट मीन्स TW इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका लोड इंटू R, ठीक है ना, यहाँ पे लोड इंटू स्मॉल R कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल R लिया था, यदि आपको याद हो तो, ये जो है स्मॉल R बैरल का, ये जो है 225 स्मॉल R लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, R मालूम है, W तो मालूम नहीं है, तो R कितना है, 225 × W हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको भी एक इक्वेशन मान लीजिए, तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, नाउ अब ये सपोज कर लीजिए कि जो हमारा ड्रम है, ठीक है ना, दिस ड्रम इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो है अब सपोज कर लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो हम मालूम है कि यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो जो बैंड का एंड है, ठीक है ना, जो बैंड का एंड है, ठीक है ना, यहाँ पे ए से अटैच्ड है और बी से अटैच्ड है, ठीक है ना, तो ये ए क्या होगा, टाइट साइड, और ये क्या होगा, स्लैक साइड, तो ये T2 और T1 क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, दैट विल गेट इंटरचेंज्ड, ठीक है ना, दैट विल गेट इंटरचेंज्ड। तो जब ये इंटरचेंज्ड हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारा अब कॉन्सेप्ट फिर उल्टा हो जाएगा, जब हम ये इंटरचेंज मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा T1 और ये क्या हो जाएगा T2, ठीक है ना, फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लॉकवाइज के लिए तो सही था, ठीक है, पहले क्लॉकवाइज के लिए ही था, अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए यदि हमने कर दिया तो फिर से पूरा इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, कैसे बदलेंगे, कॉन्सेप्ट वही है फिर से, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक तरफ जो है T1/T2 तो मालूम है कितना, 2.98, कैलकुलेशन वही का वही होगा, लेकिन अब मोमेंट लेने में ये तो हम निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, अब इसका मोमेंट ले लीजिए, नाउ टेकिंग मोमेंट, ठीक है ना, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट द फलक्रम, यही फलक्रम जो वो है, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट फलक्रम ओ, ठीक है ना, इस ओ के अबाउट जो है आप जब क्या लेते हैं, मोमेंट लेते हैं, ठीक है ना, तो अब क्या होगा मोमेंट, तो अब ध्यान दीजिए, यही आपका 750 × 3000, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, और इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वहाँ पे T1 लिए थे, ध्यान दीजिए, वहाँ पे T1 लिए थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि होगा यही चीज़ जो हम पहले इक्वेशन निकाले थे, लेकिन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये T1 क्या हो जाएगा 100 माइनस T2 25, क्योंकि ये क्या था आपका
क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, यहाँ पे क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो T1 और T2 दोनों क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे आप, तो ये जो है इस इक्वेशन से T1 इक्वल टू 2.98 इंटू T2 यहाँ रख देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से आपका T1 और T2 दोनों निकल जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करके टेक T1 इक्वल टू 2.98 इंटू T2 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ से जब आप निकालेंगे T1 तो T1 आपका निकल करके आता है यहाँ पे 24, ठीक है ना, 24.56 किलो न्यूटन, और T2 जो है निकल करके आता है आपका यहाँ पे 8.2 किलो न्यूटन। तो ये आपका T1 निकल गया, ध्यान दीजिए, और ये क्या निकल गया, T2 निकल गया। जब T1 और T2 निकल गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट दी ब्रेकिंग टॉर्क फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या निकालेंगे, ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक ना, ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, TB इक्वल टू T1, ठीक ना, T1 माइनस T2 इंटू क्या हो जाएगा R, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो गया TB, और ये T1 आपने कितना निकाला 24.56, और T2 कितना निकाले आप 8.2, और R कितना है 400, ब्रेक ड्रम का रेडियस जो है दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ब्रेक ड्रम का रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, तो कैपिटल R ले सकते हैं हम, कैपिटल R यहाँ लिख लीजिए, डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जब आप निकालें, अच्छा ये किलो न्यूटन में है, ठीक है, तो यहाँ से ब्रेकिंग टॉर्क जो आपका निकल करके आएगा, ठीक है ना, ब्रेकिंग टॉर्क विल बी समथिंग लाइक 6.53, ठीक है ना, और जो है 6.53 इंटू 10^3 मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर, इसको जब mm में निकालेंगे तो 6.53 इंटू 10^10, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने निकाला है ब्रेकिंग टॉर्क दिस मच, और यहाँ पे निकाले हैं दैट मच, यही यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, तो अब यहाँ से जो है ये ब्रेकिंग टॉर्क यहाँ निकल गया, ठीक ना, अब इससे, ठीक ना, ब्रेकिंग टॉर्क 6.53 यहाँ पे निकला, ठीक ना, ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ बैरल, ठीक ना, तो दिस इक्वेशन 6.53, ठीक ना, और यहाँ पे जो आप लोड का निकाल रहे थे, देखिए लोड यहाँ पे निकाले हैं W इंटू R, तो टेकिंग ये 2 और इसको मान लीजिए 3, ठीक है ना, तो इक्वेटिंग जो है इक्वेटिंग इक्वेशन, ठीक है ना, 3 and 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.53 इंटू 10^6, और ये mm में ही है, तो क्या हो जाएगा 225 इंटू W, ठीक है, यहाँ से आप W निकालेंगे तो दैट यू विल गेट हियर अप्रॉक्सीमेटली 29 × 10^3 न्यूटन, या डायरेक्ट हम लिखें W इक्वल टू 29 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लोड निकला जो है, ये जो लोड था आपका, इस तरह से सॉल्व करके कितना निकला आपका 29 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द ब्रेक इज बेसिकली 29 किलो न्यूटन व्हेन द ड्रम रोटेट्स इन, जो है ये क्या लिए थे, एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट लिए थे, ठीक है ना, यहाँ जो कॉन्सेप्ट लिए थे एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट लिए थे, तो ये जब कॉन्सेप्ट लिए, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिए, यहाँ से ये 29 किलो न्यूटन आया, ठीक है ना, ये जो हम लिए थे ये एंटी क्लॉकवाइज लिए थे। अब थोड़ा सा ये क्लॉकवाइज वाला जो लिए थे, इन केस ऑफ क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज में ये TB कितना है, ध्यान दीजिएगा TB कितना है 70 इंटू 10^6 न्यूटन मीटर, न्यूटन मिली
मीटर, और यहाँ पे जो है टी डब्ल्यू कितना होगा, वही डब्ल्यू इंटू आर, ठीक है ना, डब्ल्यू इंटू आर, डब्ल्यू मतलब ये 225 स्मॉल आर है, ध्यान रखिएगा स्मॉल आर। तो यहाँ पे जब 70 इंटू, ये देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज था, और ये 70 इंटू 10^6 न्यूटन मिलीमीटर इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 225। तो यहाँ से डब्ल्यू जब आप निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका आएगा 309 किलो न्यूटन वाट, ठीक, सॉरी किलो न्यूटन। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम ये सब हटाते हैं, ठीक है ना। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया, ये फिगर आपके सामने है, ठीक है। अब इस फिगर में आप ध्यान दीजिए फ़र्क क्या है, ठीक है ना, फ़र्क सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तब आपको 309 किलो वाट, किलो न्यूटन जो है लोड यहाँ पे जो है ये सस्टेन कर ले रहा है, और जब क्लॉकवाइज है तब आपका ये 29, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो 29 किलो वाट। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द ब्रेक इज 300 किलो न्यूटन बाय द ड्रम ब्रेक्स इफ़ वी रोटेट इट इंटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यदि ज़्यादा लोड जो है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक आपको बढ़ानी है तो यू विल नीड टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि क्लॉकवाइज में 309 न्यूटन सपोर्ट कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में आपका 29 किलो वाट, सॉरी किलो न्यूटन, बार बार वाट निकल रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे ये हम शॉर्ट में लिखे तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना निकला आपका 29 किलो न्यूटन, और क्लॉकवाइज में आपका निकला 309 किलो न्यूटन। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, दोस्त इसलिए बोलते हैं कि चूंकि अब आप इंजीनियर बन गए तो आप जो है इक्विवेलेंट में आ जाते हैं, ठीक है ना, रहेंगे तो बच्चे ही, लेकिन क्योंकि टीचर के सामने कोई स्टूडेंट कितना भी बड़ा हो जाए रहता तो बच्चा ही है, बट अप टू सम एक्सटेंट बींग ए प्रोफेशनल इंजीनियर वी रिकमेंड एज ए फ्रेंड। तो यहाँ पे जो है ये आपने देखा क्वेश्चन कि किस तरह से ये डिफरेंशियल बैंड ब्रेक का क्वेश्चन हम जो है बनाते हैं और किस तरह से निकाले हैं। तो इस क्वेश्चन को फिर लास्ट में हम एक समरी दे देते हैं कि ये T1 अपन T2 जब हमने सबसे पहले आपका ये क्लॉकवाइज लेकर के निकाले थे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज लेकर के निकाले हैं, और फिर यहाँ पे जो है ये क्लॉकवाइज से हमारा ये ब्रेकिंग टॉर्क ये आया है, ठीक है ना, इस ब्रेकिंग टॉर्क को हमने इक्वेट कर दिया है इस लोड वाले से, ये लोड वाला निकाले हैं, ये लोड तो क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज में भी इक्वेट होगा, और ये किसके लिए निकाले हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो आपने देखा कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों यहाँ इक्वेट किए हैं, ये क्लॉकवाइज वाला जो है आपका, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज वाला जो है इक्वेट किए यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज से टॉर्क इतना आया था, एंटी क्लॉकवाइज इक्वेट किए तो ये 29 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि टी बी इंटू ये टी बी और टी डब्ल्यू इक्वेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा टी बी और टी डब्ल्यू, एक बार क्लॉकवाइज के लिए तो ये यहाँ पे क्लॉकवाइज के लिए इक्वेट करेंगे तो टी बी इक्वल टू टी डब्ल्यू हो गया, और फिर एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी करेंगे तो टी बी इक्वल टू टी डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए था, ध्यान रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है ना, इक्वेट कर दिए, और क्लॉकवाइज के लिए यहाँ इक्वेट कर दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बना। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और जो है कहीं डाउट है तो एक बार फिर से इसको देखिए पूरा, और जो है दोस्तों के साथ भी, क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इन सारे चीज़ों को, क्योंकि चैनल अपना नया है तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट प्रमोट, जितना प्रमोशन होगा उतना, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र, ठीक है ना, मैं भी इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक फीलिंग है कि कुछ बच्चे जो है खास करके नॉर्थ इंडिया साइड के जहाँ भी पढ़ते हैं उनको जो है इंग्लिश समझ में तो आ जाती है, बट दिमाग में आती है, दिल में उतरने के लिए जो है हिंदी जो है, तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ मिक्सिंग इंग्लिश एंड हिंदी। तो इवन आई कैन टीच इन इंग्लिश बट आई प्रीफर टू डिक्टेट इन हिंदी, क्योंकि यहाँ इंग्लिश तो है ही अपने जगह पे, लेकिन ये जो है चीज़ें
आपके दिल तक उतरती है दिमाग से, इंग्लिश दिमाग में रह जाती है, ठीक है। बट एनीवे आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।